Today I'm going to tell you about 16 smart Google search tricks that will make life easier. First is the use of tab. For that, you have to search here anything. Suppose you want Disneyland. अब डिज्नीलैंड की इमेजेस यहाँ पे आई, तो यहाँ पे ऑल इमेजेस, मैप, न्यूज, वीडियो और मोर आ रहा। मोर में शॉपिंग, बुक, फ्लाइट, फाइनेंस, ये सब क्या है? ये टैब है जो हम गूगल सर्च पे यूज करते हैं। सेटिंग में सर्च, सेटिंग, लैंग्वेजेस, ये सारी सेट होता है। टूल्स होते हैं इसके, डिफरेंट टूल्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये हम टैब यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आया कोड्स यूज करें। कुछ स्पेसिफिक यूज करने के लिए हमें कोड्स डिज्नीलैंड अब हमने कहा कि पेरिस का ढूंढो, तो पेरिस हमने कोड्स में लिख दिया, तो वो केवल पेरिस का डिज्नीलैंड ढूंढे। इसके लिए हमें यहाँ पे कोड्स डिज्नीलैंड पेरिस लगाना पड़ेगा और इमेजेस कर दी, तो स्पेसिफिक पेरिस का ही सारा ढूंढेगा। ये देखिए सब में पेरिस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो कोड्स के अंदर लिखने से स्पेसिफिक ढूंढेगा। फिर आया हाइफन। अब हम कुछ ऐसा वर्ड चाहते हैं जो उसमें से माइनस हो जाए। मान लो हमने लिखा पिज्जा माइनस टोमेटो या मशरूम। बहुत से लोगों को मशरूम नहीं पसंद होता है, तो जितने पिज्जा आएंगे विदाउट मशरूम के आएंगे। देखिए इसमें किसी ने भी मशरूम नहीं है। और या हमने लिखा टोमेटो, तो बिना टमाटर के आ जाएगा। ये देखिए एक में भी टमाटर नहीं है। तो इस तरह से हम कोई भी वर्ड को हटा सकते हैं। थर्ड आया यूज योर सर्च हिस्ट्री। अब हिस्ट्री यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमने जो ढूंढा उसको देखने के लिए हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री करेंगे। तो रीसेंट जो सर्च किया, देखिए पिज्जा माइनस टोमेटो मशरूम, वो दिखा देगा। तो ईजिली हम उस पर क्लिक कर देंगे तो वो फिर ईजिली वो चीज दिखा देगा। नेक्स्ट आया यूज कोलन टू सर्च स्पेसिफिक साइट। अब किसी स्पेसिफिक साइट को ढूंढने के लिए हमें कोलन लगाना पड़ेगा। हमने कहा कि रोज गार्डन इंडिया मान लीजिए, तो इंडिया के जो रोज गार्डन अच्छे होंगे उसको सर्च कर दे। इंडियन लार्जेस्ट रोज गार्डन, हम लोग कभी शायद पहुंचे ही ना। ये सब देखिए इसमें दिखा दिया, इसमें इंडिया का सारा रोज गार्डन आप देख सकते हैं। तो इंडिया का दे दिया। अब इसमें इंडिया स्विट्जरलैंड, अब देखिए क्या देता है। अब वहां का दिखा देगा, बाहर का हमने दे दिया तो बाहर का दिखा देगा। तो इस तरह से हम स्पेसिफाइड करके कोलन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका डिफाइन अ वर्ड। अब यहाँ पे लिखा कैटर कैटर टिलर, तो जो उसके पास वर्ड होगा वो तो दिखा देगा। अगर कोई ऐसा वर्ड हम लिखते हैं जैसे हमने लिखा जावा स्क्रिप्ट, वो भी है उसके पास, तो जो वर्ड नहीं होगा वो आप अपनी डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका स्टार। अगर कोई वर्ड आपको नहीं याद आता है
तो उसके लिए हम स्टार लगाते हैं। इसके पहले सर्च प्राइस रेंज फॉर आइटम यूज कोलन। अब मान लीजिए हमें फोन ढूंढना है, हमने कहा सैमसंग फोन रेंज दिया रुपीज 10,000 to 20,000। तो सैमसंग के जितने भी फोन इस रेंज के होंगे सब आ जाएंगे। अब मान लीजिए मैं फोन का नाम याद नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ पे स्टार दे दिया। अब वो क्या करेगा, हर फोन के इस रेंज के फोन को ढूंढ देगा। आपका ये देखिए रियलमी भी आ रहा, वन प्लस भी आ रहा, सैमसंग भी आ रहा, सब आ रहा, तो वो सबको ढूंढेगा। तो स्टार मतलब जो हमें नाम नहीं पता है। सेट अ टाइमर, अब आप गूगल में टाइमर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देंगे सेट टाइमर फॉर, अब जितने मिनट के लिए करना है ना, फॉर, अब मिनट कैसे देंगे, मान लीजिए 2 मिनट हमने दिया, ठीक है, 2 मिनट्स दिया और इसको एंटर कर दिया, तो ये 2 मिनट्स के देखिए टाइमर सेट हो गए। अब 2 मिनट्स मान लीजिए नूडल आप बना रहे हो, आपको टाइमर सेट कर दिया, तो 2 मिनट बाद जाके आप देख लेंगे कि बना कि नहीं बना। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ये 5 मिनट का दे दिया, अब मिनट नहीं देते हैं, सेट टाइमर करते हैं, तब देखिए क्या मांगता है, तब भी वो दिखा दे रहा है। सेट टाइमर फॉर 1 या 2 1 मिनट। तो 1 मिनट का आ गया, तो जो आप सेट कर दीजिएगा वो टाइमर सेट हो जाएगा। ये तो यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ आया। अब यहाँ 5 मिनट का आ रहा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हमने दिया 2 मिनट का, तो 2 सेकंड का, चलिए स्टार्ट किया, देखिए 2 सेकंड, ये आपका टाइमर सेट हो जाएगा। इसको रीसेट कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से टाइमर आपका सेट हो जाएगा। अब आया आपका नेक्स्ट, आस्क गूगल व्हाट द वेदर। अब आपको कहीं का वेदर पता करना है, तो हमें पता करना है वेदर ऑफ इलाहाबाद, मान लीजिए कर लेते हैं, तो वो इलाहाबाद की लोकेशन दिखा देगा वहां का। अगर आपने सब कुछ दे दिया तो सब कुछ बता देगा, ये आएगी आपका इलाहाबाद। ये देखिए वेदर फोरकास्ट दे दिया उसने पूरा आपका डिटेल में, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, वाराणसी का दे रहा है, उत्तर प्रदेश को भी हमने दे दिया। तो ये इस तरह से यहाँ से आप वेदर देख सकते हैं। फिर आया आपका आस्क गूगल टू डू मैथ्स, ये हम आपको एक बार बता चुके हैं। यहाँ पे आप जैसे लिखते हैं इक्वल्स टू बाई बटा 7, तो वो कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दिखा देगा पाई की वैल्यू। नेक्स्ट आया आपका कन्वर्ट करेंसीज। अब बहुत बार जो ट्रेवलर्स बाहर से आते हैं वो कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी करेंसी को, तो मान लीजिए उसने लिखा कि हाउ मनी डॉलर्स, ये आ गया ना, तो हमने दिया तो वो दे देगा 100 रुपये का इतना हो गया, 500 का इतना हो गया, 1,000 का इतना हो गया, तो वो अपनी नोट के हिसाब से हमको पेमेंट कर देगा या हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो इजी, किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा जब हम बाहर जाएंगे। सर्च फॉर 2 थिंग्स एट अ टाइम, अब एक ही समय में 2 चीज़ें हमें ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए हमको ढूंढना है 2 तरह की आइसक्रीम,
हमने दिया स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच मान लिया, दे दिया आइसक्रीम, तो दोनों आ जाएगा। अभी मैं जस्ट पर क्लिक करिए तो आपको ढेर सारी आइसक्रीम दिख खाने को मिल जाएगी। यहाँ से देखिए अच्छी अच्छी आइसक्रीम आप अपने इस बटर स्कॉच और इससे ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। फिर आया फाइंड स्पोर्ट स्कोर इजली। अब स्पोर्ट आजकल आईपीएल चल रहा है, यहाँ पे लिखा आईपीएल टुडेज स्कोर, तो वो यहाँ से आपको रिकॉल कह दीजिएगा तो सारा कुछ दिखा देगा आपको। ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, न्यूज दिखा दे देगा, अगर करंट न्यूज है, वीडियोज दिखा देगा, इमेजेस दिखा देगा, शॉपिंग कुछ करना है मैप्स दिखा देगा, ये सारा आ जाएगा। ऑल करने से आपका यहाँ पे अभी इस समय जीरो दिखा रहा है, टॉस होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, 2 of 60, नो इन पर्सन अटेंडेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी इस समय कोई गेम्स नहीं हो रहा इसलिए नहीं दिखा रहा है। फाइंड कीप इट सिंपल, जो भी आप ढूंढिए वो सिंपल लिखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत लिखिए। जैसे हमने लिखा रोज गार्डन ऑफ इंडिया, अब इमेजेस किया हमने तो वो डिफरेंट रोज गार्डन इंडिया के दिखा देगा आपको। देख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर गार्डन, हम लोग तो अपने शहर ही में बैठे हुए हैं बस, बहुत सुंदर सुंदर है। तो इस पे आप इस तरह से बढ़िया बढ़िया चीजें ढूंढ के देख सकते हैं। फिर आया आपका डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग, अगर आपकी कोई स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है तो वो गूगल सही कर देता है। जैसे अभी कुछ लिखिए स्टोमेटा डायग्राम, अभी शायद सही लिख गया है। अभी मानिए हम लिखते हैं, इसमें अगर कुछ गड़बड़ होता जैसे एम हट गया होता तो ये देखिए सही करके उसने दिखा दिया कि आपने गलत लिखा है, आप सही लिखिए, तो स्टोमेटा डायग्राम उसने दिखा दिया। इस तरह से गूगल और भी बहुत सी चीजें, अब जैसे एक ही तरह की इमेज आप ढूंढना चाहते हो, अब हमने दिया यहाँ पर डिज्नीलैंड, ठीक है, अब इसकी इमेज है और इसी तरह की आप इमेज और ढूंढना चाहते हैं, है ना, तो ये कॉपी किया कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट किया, इसकी लिंक को इसको अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे इसकी यूआरएल लीजिए और गूगल में जाके सर्च करिए, तो उसी की जैसी उसी के जैसी देखिए ढेर सी इमेज आ जाएगी। ये देखिए जो इमेज आपने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी उसी की जैसी, ये देखिए यहाँ पे हमने की थी तो मिक्की माउस से रिलेटेड ढेर सारी इमेज आ जाएगी। तो जिस इमेज जिससे रिलेटेड इमेज ढूंढनी है उसको अगर आप अपलोड कर देते तो उससे रिलेटेड और इमेज आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप चीजों को ढूंढ सकते हैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, सर्च इंजन की कोई लिमिट नहीं है, रोज बदलता रहता है, कितना और बदल जाएगा जब तक हमने ये वीडियो बनाया है। ये हमने इतने सर्च इंजन में फाइंड किया इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट टीचर्स एंड ऑल द लर्नर और रिसर्च स्कॉलर हु कैन फाइंड द थिंग थ्रू दिस। सो
दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, थैंक यू, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज